आज का वीडियो हमारा कार के स्पीकर को रिपेयर करने के ऊपर है। हमारे पास एक कार का स्पीकर है, ये मार्केट में लगभग 500-700 रुपए के करीब मिलता है और आप इसको रिपेयर करोगे तो लगभग ये 30-40 रुपए में रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसको रिपेयर करके दिखाएंगे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। इस स्पीकर को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसके पुराने सभी सामान निकाल के अलग कर देने हैं। यहाँ इसका स्पैडर लगता है, ये जगह हमने अच्छे से साफ़ कर ली है और यहाँ इसका बूफर वाला कोन जो लगता है वो भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और हमारी अंदर इसमें बीच में वॉइस कॉल लगती है वो भी अच्छे से साफ़ कर ली है। और इसके लिए हमें जो सामान चाहिए रिपेयर करने के लिए, हमें एक ये बूफर चाहिए, इसके बाद हमें एक वॉइस कॉल चाहिए और एक स्पैडर चाहिए और इसका एक कैप है। और ये लगभग मार्केट में आपको सामान 30-40 रुपए में मिल जाएगा और इसमें ये वायर लगता है कनेक्शन के लिए और हमें फ्लेम सीट के 3 टुकड़े चाहिए। अगर फ्लेम सीट नहीं ले सकते आप तो किसी एक्सरे से भी काम चला सकते हो, उसके भी बन जाते हैं। कॉइल को ये बीच में रखने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी कॉइल फंसा लेनी है और इसका कॉइल फंसाने का ही सबसे बड़ा रोल होता है। अगर ये ढंग से नहीं कॉल लगेगी इसमें तो आवाज़ ढंग से नहीं आएगी। इस कॉल को लगाने के बाद इसमें हमें फ्लेम सीट के पेपर तीनों साइड में एक एक करके लगा देने हैं जिससे कि हमारी कॉइल बीचा बीच में बिल्कुल रहेगी। ये कॉल भी एक निश्चित जगह पर रखी जाती है, ये नहीं कि नीचे कर दो ज़्यादा या ऊंची कर दो, इसकी भी एक फिक्स जगह होती है। देखिए मैं आपको उठा के दिखा रहा हूँ इस कॉल को, ये कहाँ तक रखनी है आपको। देखिए इसके जो एक दो बार जो दिख रहे हैं, कम से कम एक दो बार दिखते रहने चाहिए ऊपर की साइड में। अगर ये कॉइल नीचे पहुंच जाएगी तो आवाज़ बैठ जाएगी। इसके बाद हमें फेविकॉल चाहिए, ये हीटेक्स वाला फेविकॉल है। इससे हमें इसका स्पैडर और कॉन चिपकाना पड़ेगा जो लोहे पर काम करता है। और हमें एक दूसरा फेविकॉल और चाहिए, ये है हमारा सफ़ेद वाला फेविकॉल। इससे हमारी वॉइस कॉइल और बूफर को चिपकाया जाता है। अब ये हीटेक्स वाले फेविकॉल से इसके स्पैडर को हम यहाँ सेट कर लेंगे। जो अच्छे से हमें बैठा देना है, चारों साइड से दबा लेना है जिससे कि ये ऊपर ना रहे। इसके बाद थोड़ा सा फेविकॉल ऊपर और डाल देंगे जिससे इसका स्पैडर छूटे नहीं, मजबूत और हो जाएगा। चारों साइड में हल्का हल्का डाल देंगे इसे। अब जो सफ़ेद वाले फेविकॉल से हम इसके स्पैडर और वॉइस कॉल को चिपका देंगे। ये सफ़ेद वाला फेविकॉल कागज पर काम करता है, इसकी कॉल कागज की होती है। अब इसके बाद इसके बूफर को ऊपर चिपकाने के लिए हमें हीटेक्स वाला फेविकॉल इस स्पीकर की किनारी पर अच्छे से लगा लेना है। और ध्यान रहे जगह ना रहे कोई। अब इसके बाद इस स्पीकर के बूफर को हमें बड़े आराम आराम से इस कॉइल के ऊपर बैठाना है। ध्यान हमें ये रखना है इसकी कॉइल अंदर ना दबे, बड़े आराम आराम से हमें फिट कर लेना है। उसके बाद में हमें किसी चिमटी की सहायता से इसकी किनारियों को दबा लेना है जिससे हमारा ये स्पीकर फिक्स हो जाएगा। अब इसकी वॉइस कॉल को हमें एरराइट से चिपका लेना है और इसमें हमारे हार्डनर और रीजन दो निकलते हैं ट्यूब, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में निकाल लेना है। और निकालने के बाद फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना दोनों को। और इस कॉल को अगर आप फेविकॉल से चिपकाओगे तो वो छूट जाएगी क्योंकि इसका
बूफर जो है पिन्नी का है, पिन्नी पर फेविकोल काम नहीं करता है, इसी वजह से हमें एलआरआईट से चिपकानी पड़ रही है। एलआरआईट से काफ़ी मजबूत रहेगी, कभी नहीं छूटेगी लाइफ टाइम, फेविकोल से छूट जाएगी। अब इसको 2 घंटे के लिए धूप में हम रख देंगे, उसके बाद में इसके कनेक्शन और कैप को लगा देंगे। अब जी हमारा स्पीकर अच्छी तरीके से सूख चुका है, लगभग 2-4 घंटे से धूप में हो गए हैं। इसमें फ्लैम सीट के पेपर हमें कॉइल में से निकाल देनी है तीनों, फिर इसके बूफर को हमें थोड़ा ऊपर नीचे दबा के देखना है इसकी कॉइल सही से चल रही है नहीं, और हमें चिमटी से 2-2 सुराख कर लेने इसके कनेक्शन के लिए। और इसमें ये दोनों वायरों पर जो पॉलिश होती है ये हमें आरी के ब्लेड से या माचिस से हटा देनी है। अब इसके कनेक्शन के लिए इस वायर को हमें पीछे से इसमें फिट करना है, और इसके आगे वाले सिरों में वॉइस कॉल के कनेक्शन हमें लपेट देने हैं। लगभग ये 1/2 इंची छोड़ के आगे से लपेटने हैं दोनों में। अब इसकी वॉइस कॉल के कनेक्शन हमें आयरन से सोल्ड कर देने हैं, अच्छे से दोनों सोल्ड कर देंगे। अब इन वायरों को मोड़ के दूसरे बराबर वाले सुराख में डाल देना है, और इसी तरीका से हमें ये दूसरे वाली कॉइल के कनेक्शन जो है इनको भी इसी सुराख में होकर निकाल के डाल देंगे। अब इसकी वॉइस कॉल के कनेक्शन अच्छे से हो गए हैं। अब इसके पीछे फालतू के वायर को हम काट देंगे, और जो वायर हमें इस कनेक्टर में फिट कर देना है इसे आयरन से सोल्ड कर देंगे। और दूसरी साइड में वायर जो है इसको भी ना तो ये बड़ा रखना ना छोटा रखना है, ये हिसाब से ही रखना है। अगर छोटा रख दोगे तो वायर चलने पे खिंच जाएगा, और बड़ा रख दोगे तो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे, उसी हिसाब से रखना है। अब इसके बाद हमें थोड़ा एलआरआईट का पेस्ट बना लेना है, और इस पेस्ट को इसके कॉइल के कनेक्शन में लगा देना है, जिससे कि इसकी कॉइल बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, इसके कनेक्शन हलेंगे नहीं, हलेंगे तो ये टूट के बेकार हो जाएंगे। और इसके कैप को ऊपर यहाँ चिपका देना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।